हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। तो आज की रेसिपी मैं आपके साथ टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट और बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे ये 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इस तरीके के ठंडे कर लेने हैं आपने, और ठंडे करने के बाद कद्दूकस कर लेना मोटे साइज से। अब इसमें मैं कुछ वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ, तो जो भी आपके पास वेजिटेबल हैं आप ऐड कर सकते हो, नहीं है तो वो स्किप कर सकते हो। ये मैंने बारीक कटी हुई थोड़ी सी गाजर ली है, साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया हरा धनिया, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप व्रत वगैरह में बना रहे हैं तो ये प्याज वगैरह स्किप कर सकते हैं, और खाना पसंद करते हैं तो डाल लीजिए। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची, जस्ट थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च फ्रेश। अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर, ये आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही मैं ये भुना हुआ इसमें डाल रही हूँ पीनट्स पाउडर, 2 चम्मच डाला है। अब 4 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर की जगह आप पोहा पीस के भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से नहीं सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ पे ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, और थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं 1 पिंच यहाँ पे ये हल्दी यूज़ करें। अब हम इन सबको कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ यहाँ पे, आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अमचूर डाला है मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा अब हम चाट मसाला भी यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा ये मैंने चाट मसाला भी, इन सबको हम कर लेते हैं मिक्स। चाट मसाला है, चाट मसाला मिक्स कर लेंगे इसमें। इसमें हमें कोई पानी वगैरह नहीं यूज़ करना है। अगर आपको इसकी बाइंडिंग थोड़ी सी आपको गीली लगे तो कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं, आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर सकते हो। यदि आप व्रत के लिए बना रहे हो तो इसमें आप प्याज और जो लहसुन खाते हो वो स्किप कर सकते हो, आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम बगैर पानी डाले इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया, ये मिक्सचर थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो मैं 2 चम्मच यहाँ पे और ऐड करूँगी ये कॉर्नफ्लोर। तो टोटल मैंने 5 से 6 चम्मच यूज़ किया है, 6 चम्मच यूज़ किया है ये कॉर्नफ्लोर। तो जैसे जैसे बाइंडिंग अगर आपको गीली लगे तो कॉर्नफ्लोर और यूज़ कर लीजिएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसमें पानी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है हमें। तो अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो अगेन आप ये इसमें जो प्याज वगैरह मैंने डाला है तो वो स्किप कर सकते हैं, लाल मिर्ची स्किप कर सकते हैं आप। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये मसाला मिक्स बनके तैयार हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने मिक्स करना है इसको। आप चाहो इसमें और भी अच्छा टेस्ट देने के लिए गरम मसाला या फिर आप पाव भाजी मसाला मिक्स कर सकते हो, मैं सिंपल नॉर्मल बता रही हूँ आपको। तो अब हमने क्या करना, थोड़ा सा हाथ पे लेना पानी, इस तरह लगाना, आपने ऑयल नहीं लगाना, पानी लगाना है, और छोटे छोटे बॉल्स आपने, छोटी बड़ी जैसी भी आपने टिक्की बनानी है इसकी, इस तरीके से आपने टिक्की बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आपने छोटी छोटी टिक्की बना लेनी, छोटी बड़ी जैसी भी आपको पसंद हो इस तरीके से आपने टिक्की बना लेनी। तो मैं इस तरीके से सारी बना लेती हूँ, चलिए एक और दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आपने लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी अच्छी वीडियो देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, इस तरीके से बना लेंगे। तो आप इस रक्षाबंधन पे ये टिक्की ज़रूर बना के आप खाइए, आप फैमिली को खिलाइए, अगर आपके घर में रिलेटिव आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको भी बना के खिलाइए। इस तरीके से आपने बना लेनी, मैं सारी बना लेती हूँ इसी तरीके से। तो लीजिए मैंने सारी टिक्की बना के रेडी कर ली है, अब चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने ये ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, तो मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये टिक्की आपको बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आपको खाने में लगे, तो आपने क्या करना है, इनको डीप फ्राई नहीं करना है, आपने सैलो फ्राई करना है। सैलो फ्राई जब करेंगे ये टिक्की खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, और एक बार में उतनी ही डालें जितनी ये अच्छे से ठंडल हो जाए। 3-3, 4-4 करके आपने फ्राई कर ली है। तो ये मैंने, मेरा फैन काफ़ी बड़ा है तो मैंने ये 5 डाल दिए इसमें। अब जब ये गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे एक तरफ से, तब हमने इसको पलटना है। आपने पहले इनको नहीं पलटना है, अगर आप पहले पलट देंगे ना इनको टिक्कियों को, तो क्या होगा ना ये नीचे से चिपक जाएंगी और क्रिस्पी नहीं होंगी अच्छे से। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सारा प्रोसेस मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, मैंने तेल अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है मीडियम, ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाएं ये हमारी टिक्की। वैसे तो इसमें मतलब कच्चा कुछ भी नहीं है, सब पका ही हुआ है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा और भी क्रिस्पी लुक देने के लिए इसको हमें अच्छे से पकाना है। एक तरफ गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तब इनको हमने पलटना है।
तो फ्रेंड्स ये सारा प्रोसेस जो मैंने किया है ये उसका पूरा आपको दिखाया हुआ है, तो इसी मेजरमेंट के साथ आपने सारी चीज़ें डालनी है इसमें, ठीक है जी। तो एक तरफ से जैसे क्रिस्पी हो जाएगा हम इसको पलट देंगे। आपको ये टिक्की बनाने का कैसा तरीका लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल हम डाल देंगे, इससे क्या होगा ना ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, दोनों तरफ से अच्छी गोल्डन क्रिस्पी सीखेंगे, ठीक है। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब ये एक तरफ से थोड़ा सा क्रिस्पी हो चुकी है, देखिए इस तरीके से थोड़ी सी गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तब आपने पलटनी है, एकदम से डाली और तुरंत नहीं पलटना है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम इसको किसी चम्मच से या फिर आप फोक से इस तरीके से आपने पलट देना है, ठीक है जी। तो थोड़ी थोड़ी करके आपने इसको फ्राई करनी है, आपने डीप फ्राई नहीं करनी, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने सेलो फ्राई ही आपने करनी है इसको। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो आपकी ये टिक्की बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी और ऑयल में सारी बिखर भी जाएगी, तो आपने ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो इस रक्षाबंधन पर आप अच्छे से टिक्की आप अपने मेहमानों को भी खिलाओ खुद भी खाओ, तो इस तरीके से आपने इसको सेलो फ्राई करना है। सेलो फ्राई करने से बहुत टेस्टी लगेगी ये टिक्की, आप इस टिक्की की टिक्की चाट भी बना के खा सकते हो। अगर आप फास्ट वगैरह रख रहे हो तो उसमें जो मैंने प्याज डाला हुआ तो प्याज स्किप कर दीजिए, लाल मिर्ची स्किप कर दीजिए, तो आप व्रत के लिए भी यही प्रोसेस आप बना सकते हैं। तो जैसे ये दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये टिक्की कैसी लगी। ये देखिए बनी है ना एकदम क्रिस्पी गोल्डन करारी, ये मसाला टिक्की बहुत ही पसंद आएगी आपकी पूरी फैमिली को, आप कभी भी बना के खा सकते हैं। और बारिश का मौसम तो इस झमझमाती बारिश में ये टिक्की ज़रूर बना के खाइए। ये इस तरीके की गोल्डन क्रिस्पी आपने निकालनी है टिक्की इस तरीके से। तो अगर आप भी इस तरीके से गोल्डन क्रिस्पी टिक्की खाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए निकाल लेते हैं इनको। तो जब इस तरीके की गोल्डन क्रिस्पी करारी जब ये सिक जाए अच्छे से तब आपने निकालनी है, ठीक है जी। तो बाकी टिक्कियाँ मैंने निकालनी है। अब ये दूसरा बैच भी मैं फ्राई कर लेती हूँ इसी तरीके से। तो ये मैं दो बारी में फ्राई कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि पैन बड़ा है तो आप थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करें, मैं ये चार चार पाँच पाँच करके फ्राई कर दूँ। तो चलिए टिक्की क्रिस्पी हो गई है इस तरफ से, इनको पलट देते हैं। आप इन टिक्कियों को ना कच्ची से एकदम कच्ची ना चलाएँ, आप इनको ना इस तरह से स्पून से पहले पलट लें, स्पून से या फोक से पलट लें, इसके बाद इसको कच्ची चला सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें जो मैंने वाइंडिंग बनाई थी बिल्कुल भी ऑयल में बिखरी नहीं है, तो ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी यदि आप जैसे मैंने बताई है मेरे बताए हुए मेजरमेंट के साथ यदि आप बनाएंगे तो। देखिए बिल्कुल भी बाइंडिंग बिखरेगी नहीं, बाइंडिंग आपने अच्छी बनानी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये भी एक तरफ दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे, हम निकाल लेंगे इनको। तो चलिए ये टिक्कियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं, हम निकाल लेते हैं इनको। तो लीजिए फ्रेंड्स ये सारी टिक्की बनके तैयार हो गई हैं, और आप इस तरीके से ये टिक्की बना के खाइए, फैमिली को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए, इस रक्षाबंधन अपना त्यौहार अच्छे से मनाइए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करके बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई उसको लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब।